शरद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से, उस दिन की कथा सुनने से बहुत अधिक आपको आध्यात्मिक लाभ मिलता है। लेकिन गर्भिणी एक बात का ध्यान रखे, व्रत यानी नियम होता है। गर्भावस्था में गर्भवती को भूखे रहने का नियम नहीं अपनाना चाहिए। हाँ, वो चाहें तो कुछ और नियम अपना सकती है, जैसे आज सत्य ही बोलना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है या क्रोध नहीं करना है आदि। और इसमें ध्यान रखना है कि आप जो भी व्रत लें उसे दृढ़ता से पालन करें, यही व्रत का असली नियम होता है। आइए अब पुराणों में लिखी शरद पूर्णिमा की कथा सुना देती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार की दो पुत्रियाँ थीं। दोनों का स्वभाव थोड़ा भिन्न था। बड़ी पुत्री धार्मिक कार्यों में रुचि लेती, वहीं छोटी पुत्री सदा उनसे जी चुराती थी। देखते ही देखते दोनों बहनें बड़ी हो गई और दोनों का विवाह हो गया। बचपन से ही दोनों ही बहनें शरद पूर्णिमा का व्रत करती थी, लेकिन छोटी बहन हमेशा व्रत अधूरा ही करती थी। इसी कारण शादी के बाद अनेक समस्याओं को उसे सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान भी जन्म लेने के कुछ दिनों बाद ही मर जाती थी। दुखी होकर उसने एक महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने बताया कि तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं है, इसीलिए तुम्हें शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए, ताकि कुछ वर्षों में जो तुम्हें इससे पुण्य प्राप्त होगा उससे तुम्हारी संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी। महात्मा की बात मानकर छोटी बहन ने इस बार पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से किया। फिर भी उसका पुत्र जीवित नहीं बचा। अब उसने अपनी मरी हुई संतान को एक चौकी पर लटा दिया। अपनी बहन को, जो हर वर्ष विधि विधान से व्रत करती थी, उसको घर बुलाया। बच्चे को पटिए के नीचे कपड़ा उड़ा के सुला दिया और बहन को उसी चौकी पर बैठने के लिए कहा। जैसे ही बहन उस पर बैठने गई, उसके घाघरे का स्पर्श पाकर वह पुत्र जोर जोर से रोने लगा। बड़ी बहन एकदम से चौंक गई। उसने कहा, अरे तू मुझे कहाँ बैठा रही थी, यहाँ तो तेरा लाल सो रहा है, अभी इसे कुछ हो जाता तो मैं कैसे मुंह दिखाती। तब छोटी बहन ने बताया कि मेरा पुत्र तो मर गया था, पर तुम्हारे पुण्यों के कारण तुम्हारे स्पर्श मात्र से उसके प्राण वापस आ गए। शरद पूर्णिमा की इतनी महिमा जानकर प्रतिवर्ष अब सभी गांववासी भी शरद पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करने लग गए। सभी को सादर प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा।